दोस्तों आज तारीख 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहला अपडेट तो ईद के त्योहार पर आ रहा। मंगलवार को कल ईद का चांद नहीं दिखा और इसीलिए अब आने वाले कल 11 अप्रैल को ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। एक और बड़ी अच्छी खबर ये है, ईद पर ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री। सुबह 7 से 9 बजे तक के लिए आदेश जारी हुआ, हालांकि मुख्य मकबरे पर जाने के लिए टिकट देना होगा, बाकी ईद पर पर्यटकों को फ्री एंट्री मिलेगी। और ईद पर कई राज्यों में बैंक भी बंद रहने वाले हैं, तो आप भी अपने कामकाज उस हिसाब से निपटा लें। चंडीगढ़, सिक्किम, केरल, हिमाचल वगैरह को छोड़कर बाकी अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन भी है, आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और हिंदी नववर्ष की बधाई भी दी। विक्रम संवत 2081 शुरू हो चुका, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी अच्छी खबर देखिए। चैत्र नवरात्रि पर रामलला को पहनाए गए विशेष वस्त्र, मयूर वैष्णव चिन्हों को रंग बिरंगे रेशम से काटा गया। वैसे दोस्तों आने वाले रामनवमी के त्योहार पर आपको रामलला का अनोखा करिश्मा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक का सफल परीक्षण हुआ। ये अद्भुत दृश्य देख पाएंगे आप भी। देखिए सूर्य तिलक कैसे किया जाएगा, इसमें 2 बड़े दर्पण का इस्तेमाल किया गया, 3 लेंस और विशेष एंगल के जरिए। राम मंदिर की 3री मंजिल पर लगाए गए इन सभी उपकरणों का ट्रायल पूरा हो चुका है और आने वाली रामनवमी को रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। देखिए किस तरह से गर्भगृह में विराजमान रामलला तक सूरज की किरण पहुंचेगी। ये ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं, 3री मंजिल पर दर्पण लगाया हुआ जो अलग अलग शिशु के रिफ्लेक्शन के जरिए और लेंस का इस्तेमाल करते हुए 3री मंजिल से सूर्य की किरण को नीचे भगवान प्रभु श्री रामलला के गर्भगृह में ललाट तक पहुंचाया जाएगा। उनके ललाट पर सूर्य की किरण से सूर्य अभिषेक किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला जालौन का गुड्डू मंसूरी गिरफ्तार हुआ। रेलवे पुलिस ने कानपुर झांसी हाईवे से गिरफ्तारी की। और खबर देखिए आप, कोर्ट का एक बड़ा फैसला, 17 रूपए के कैरी बैग के बदले देने होंगे 2 लाख रूपए। जज ने सुनाया ये फैसला। दरअसल किसी कंपनी के नाम की कैरी बैग कोई कंपनी अपने ग्राहकों को सामान लाने ले जाने के लिए जो थैली होती है ना, वो कीमत पर नहीं बेच सकती, क्योंकि ये नियम है, थैली के कभी कोई दुकानदार या कंपनी पैसे नहीं ले सकती है। लेकिन लखनऊ का ये मामला है, यहाँ ग्राहक से पैसे ले लिए गए, तो कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से 2 लाख रूपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है कंपनी पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूडांस पोर्टल में उत्तर प्रदेश को मिला 6वां स्थान और इस रिकॉर्ड से पता चलता है कि योगी सरकार के शासन के कड़े रुख के बाद यूपी में स्कूल शिक्षक प्रोफाइल वगैरह में कई सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं। वैसे देखिए आप, एक जिले में स्कूलों की टाइमिंग भी बदल चुकी है। गर्मी के कारण शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है और ये दोस्तों वाराणसी में शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों को राहत देते हुए स्कूलों की टाइमिंग चेंज की गई है। अब कक्षा 8वीं तक के बच्चों का स्कूल 12:30 बजे तक ही चलेगा। ये आदेश सभी सरकारी परिषदीय स्कूलों के साथ ही बोर्ड के स्कूलों पर भी लागू होगा। अधिकारियों की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शालीनता और पीएम मोदी की विनम्रता ने जीता लोगों का दिल। पीलीभीत में जनसभा के दौरान दोनों नेताओं की केमिस्ट्री देखने को मिली। दरअसल ये तस्वीर देखिए जरा, आखिर सीएम योगी को पीएम मोदी हाथ से पकड़कर क्या कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, उन्हें क्या कहा। मंच पर भाषण देने के दौरान पीछे मुड़े सीएम योगी तो अचानक पीएम मोदी ने हाथ पकड़ लिया, तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग वजह है। ये वीडियो क्लिप देखिए जरा आप। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी कारणवश जब जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर आगे प्रधानमंत्री वगैरह बैठे थे तो उनके पीछे से जाने लगे, लेकिन पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि आप आगे से जाइए। योगी आदित्यनाथ को सम्मान देने के लिए पीएम ने ये कहा। और खबर देखिए, चुनाव प्रचार करने के लिए नागपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के समीकरण भी काफी बदल गए हैं। देखिए ताजा 3 सर्वे सामने आए जिनके नतीजों ने लोगों को चौंका दिया। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में एनडीए को 77 सीटें मिल सकती है। टाइम्स नाउ का सर्वे कहता है 74 से 78 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडिया टुडे मूड ऑफ नेशन के सर्वे में भी बीजेपी को 72 से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। कासगंज जेल से गाजीपुर के लिए रवाना हुआ मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और ये पिता के मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की कोर्ट की इजाजत के बाद रिहा मिली है, हालांकि ये घर पर नहीं जा पाएगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अतीक के परिवार पर भी बड़ी चोट की तैयारी है। ईद के बाद करोड़ों के आलिशान घर पर चलेगा बुलडोजर। दरअसल अतीक अहमद के परिवार ने प्रयागराज में वक्फ बोर्ड की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प कर उस पर इमारत खड़ी की थी, लेकिन अब यूपी पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। चलिए खबर देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह में पुजारियों की तरह अब पुलिस वाले भी धोती पहनेंगे। आखिर पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये आदेश क्यों दिया गया, तो समझिए जरा इसके पीछे बड़ी वजह है। अब काशी विश्वनाथ धाम में नो टच पॉलिसी लागू हो चुकी है
यानी कोई किसी को छू नहीं पाएगा, आप मंदिर परिसर में किन्हीं जगहों को भी नहीं छू पाएंगे। और अब गर्भगृह में पुजारी की वेशभूषा में पुलिस कर्मी भी तैनात रहेंगे ताकि असामाजिक तत्वों को रोका जा सके। चलिए अगली खबर आ रही है, गर्मी में विद्यार्थियों को भी राहत मिलेगी क्योंकि विद्युतीकरण से हाथरस के तकरीबन 17 परिषदीय स्कूल विद्यालय रोशन होंगे, यहां बिजली पहुंचाई जाएगी। और खबर है सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट ताल बाजार का विवाद बढ़ा, जीडीए के नाम पर व्यापारियों को ठग रहा डेवलपर, दुकानदार नाराज होकर बोले कि अफसर बातें नहीं सुन रहे हैं। खबर है बलरामपुर में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु भूमि बेनामा शुरू हुआ, 350 में से 11 कृषकों का हुआ बेनामा। और खबर देखिए बलिया में गैस सिलेंडर की दुकान में आग लग गई, सिलेंडर फटने के चलते अफरा तफरी सी मच गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वैसे दोस्तों कल एक दुर्घटना छत्तीसगढ़ में भी हो गई, एक बस खाई में गिर गई जिसमें 12 लोगों की जान जाने की खबर है, 15 से ज्यादा घायल हो गए। मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का दुर्ग का यह मामला जहां यह बड़ा हादसा हुआ, डिस्टिलरी के कर्मचारियों को यह बस ले जा रही थी तो बस खदान में गिर गई अचानक से। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने घटना पर शोक भी व्यक्त किया। चलिए अगली खबर आ रही है, इस बार उत्तर प्रदेश में चुनावी ड्यूटी में लगेंगी 7000 रोडवेज बसें, 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस ने यूपीएसआरटीसी से बसें भी मांगी है। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए लखनऊ में फुट ओवर ब्रिज की मरम्मत के कारण प्रभावित रहेगी ट्रेन, 11 से 13 अप्रैल तक रेलवे ने ब्लॉक किया इस ट्रेन का, जिसका नाम और रूट भी आप देख सकते हैं। और खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय बरेली में बैठक हुई, आईटी और सोशल मीडिया सेल की टीम की जिम्मेदारी तय की गई, बूथ मैनेजमेंट मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, एलडीए ने 7 अवैध निर्माण सील किए, बिना नक्शा पास कराए इनका निर्माण हो रहा था, अंसल एपीआई समेत अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया गया। खबर है नोएडा में 3 गाड़ियों से पकड़ा गया लगभग 12 लाख कैश, आयकर विभाग को जानकारी दी गई, धनराशि का नहीं दे सके हिसाब। वहीं देखिए रामनवमी पर 9 दिवसीय राम कथा के आयोजन की शुरुआत हो चुकी अयोध्या में, देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम है, सुमिरन से मनुष्य का होता है जन कल्याण। चलिए खबर है कांग्रेस का न्याय पत्र जनता का जवाब, पूर्व राज्य मंत्री बोले कि 5 न्याय और 25 गारंटी बदलेगी देश की तस्वीर, 12वीं तक शिक्षा भी फ्री होगी। कांग्रेस भी इस बार चुनावी माहौल के बीच जोरों शोरों से लगी हुई है चुनावी यात्रा को लेकर। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, आज 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है हर साल, और इसके अलावा आज हैप्पी सिब्लिंग्स डे भी है, यानी राष्ट्रीय भाई बहन दिवस के रूप में भी मनाते हैं 10 अप्रैल को। चलिए अगली खबर देखिए, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया मंडल आयुक्त ने निरीक्षण, सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों ही गांव में फ्लैग मार्च किया और ग्रामीणों को भयमुक्त होकर चुनाव में मतदान की अपील भी की। ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में भी आग लग गई, 24 मोटरसाइकिल और कोतवाल का दफ्तर भी जलकर राख हुआ, ट्रांसफॉर्मर से लगी थी आग। और खबर देखिए आगरा में भी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा एक्शन लिया गया, 45,000 लोगों को पाबंद किया गया, 11 लोगों को तो जिला बदर किया गया, बड़े क्रिमिनल पर पुलिस अब जल्द कार्रवाई करेगी। चलिए खबर है बीएचयू में पहली बार डिजिटल एक्सरे की सुविधा शुरू हुई, रिमोट से होगा ऑपरेट, जांच में आसानी और 5 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट, 30 मिनट की वेटिंग होगी। खबर है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबल का दौरा करेंगे, सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, 1 घंटे का होगा कार्यक्रम। चलिए अगला अपडेट है सीतापुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, हिस्ट्री सीटर समेत 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, 1 दर्जन से ज्यादा अवैध शस्त्र व उपकरण भी बरामद हुए। अलीगढ़ में भी देखिए ऐसे तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई, क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही तो प्रशासन सख्त कार्रवाई में है। और खबर देखिए 13 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह नोएडा का दौरा करेंगे, यहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के लिए वोट मांगेंगे, नोएडा स्टेडियम में उनकी जनसभा होगी। बुलंदशहर में तस्वीरें देखिए, भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ, हिंदू नववर्ष के स्वागत में 21,000 दिए जलाए गए, एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी लोगों ने। आपको पता होगा हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो चुकी है। वही देखिए रायबरेली में स्मृति ईरानी ने मंदिरों में टेका मत्था, मंदिर के बाहर बच्चों को अपने हाथ से प्रसाद भी बांटा और लोगों से मिलकर समस्याएं भी सुनी। बहराइच में देखिए एक बड़ी घटना हो गई, अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग, 30 से ज्यादा मकान जलकर राख हुए, नगदी समेत कई लोगों को लाखों का नुकसान हुआ, एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया। और खबर है म्यांमार में फंसे 3 दोस्त, वीडियो से माफी मांगी, बोले कि बंदूक के बल पर साइबर फ्रॉड कराया जा रहा, कमरे में बंद करके हमें पीटते हैं, उनका एक वीडियो सामने आ रहा देख सकते हैं आप, राहुल और अजय, इन्होंने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है, 3 युवकों से विदेश में नौकरी के नाम पर ये ठगी का बड़ा मामला सामने आया। और बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश 112 ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को 19 नई तकनीकी गाड़ियां दी, नई तकनीकी 11 कार एवं 8 बाइक कानपुर को मिली, जनता को पुलिस का लगातार सहयोग मिलता रहा गया इनसे। अलीगढ़ में देखिए चप्पल की माला पहनकर चुनाव का अनोखा प्रचार किया जा रहा, निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह में चप्पलें मिली तो वो चप्पल की माला बनाकर ही घूमने लगे। और वही देखिए बड़ी खबर, उन्नाव में लगी कई जगहों पर फसलों में आग, 50 बीघा से ज्यादा फसल जलकर राख हुई, राजस्व विभाग की टीमें काबू करने में जुटी। खबर है हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं में आग लगी, 5 बीघा फसल यहां भी जलकर राख हुई, फरुखाबाद की घटना है। आजकल गर्मी का सीजन आ चुका है तो लाइट के बिजली के जो पोल होते हैं उनमें शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लग जाती है।
जाती है बहुत जल्दी। और खबर आ रही दोस्तों 10,000 किलो नकली बंदूक के साथ 6 लोगों को अरेस्ट किया। चलिए खबर देखिए, केराना की इकरा सबसे युवा प्रत्याशी घोषित हुई। क्रिमिनल केस में चंद्रशेखर टॉप पर है। तो वहीं माजिद देश के 5वें सबसे अमीर कैंडिडेट है। यूपी में फर्स्ट फेज के 34 प्रत्याशी करोड़पति है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आरटीई एडमिशन के तहत दूसरे चरण के लॉटरी के रिजल्ट जल्द ही जारी होंगे। 47,330 स्टूडेंट्स का चयन हुआ। 17 अप्रैल तक एडमिशन का अवसर होगा। और बड़ी खबर आ रही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से 964 बच्चों को मिला एडमिशन। गोरखपुर में 3 चरणों में लगभग 3,500 छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया गया। खबर है, प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर देखे पलटी बस, 3 लोगों की जान चली गई। नवरात्रा पर विंध्याचल दर्शन करने के लिए उन्नाव से निकले थे 38 लोग। कन्नौज में देखिए, किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा। घंटों इंतजार करने के बाद भी फसलों का बीज नहीं मिल रहा। आधार कार्ड जमा कराने के बाद कर्मचारी अभद्रता कर रहे हैं। किसानों ने हंगामा भी किया। खबर है, गोरखपुर ट्रिपल एम यूटी में बनेगी 50 स्मार्ट क्लासेज। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नौका निर्माण शुरू हुआ। 7 सदस्यीय कमेटी करेगी सुविधाओं की समीक्षा। चलिए रेलवे से अपडेट आ रहा, नवरात्रि पर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। कोच भी बढ़ाए गए। प्रदेश के कई जिलों के रूट पर एक्स्ट्रा ट्रेनों का संचालन किया जाएगा नवरात्रि के त्यौहार में। चलिए बड़ी खबर है, कोचिंग की फीस व बेरोजगारी मुजफ्फरनगर के युवाओं का मुद्दा है। डीएवी कॉलेज की छात्राओं ने कहा कि इस सरकार में सुरक्षा बड़ी है, स्कॉलरशिप नहीं आना सरकार की बड़ी खामी है। चलिए अगला अपडेट है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अमृत कलश योजना में निवेश की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। और खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की बेल वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। ईडी ने कानून का पालन किया और उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के बयान भी हैं। और उस घोटाले के पैसों से गोवा में चुनाव लड़े गए। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, यूपी के सभी मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।